डर या खौफ को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डर एक अनुभूति है। ये अनुभव व्यक्ति को कभी भी किसी भी समय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि डर को पार नहीं लगाया जा सकता। एक पुरानी कहावत है कि अपने डर को जीतकर ही व्यक्ति सफल बनता है। बहरहाल, हम आपसे यहां डर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपको डर से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको अवगत कराने वाले हैं एक ऐसे घर से जिसको सिर्फ देखने मात्र से ही आप डर के थरथर कांपने लगेंगे। जी हां, 21वीं सदी में भले ही ऐसी बातें आपको काल्पनिक लगें, मगर यह सच है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर के सेंट मार्क रोड पर गंगन चुंबी इमारतों, लोकप्रिय ब्रांडों और महंगे रेस्टोरेंटों के बीच एक बेहद सुनसान और दिल को दहला देने वाला घर जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। यदि आसपास के लोगों की माने तो यह घर वीराना है और इसमें भूतों और प्रेत आत्माओं का डेरा है। इस घर को यदि आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा कि आज यह विशाल घर एक खंडहर में तब्दील हो गया है, जिसके आसपास घने पेड़ों और झाड़ियां के अलावा छोटे मोटे जीव जंतुओं ने अपना डेरा जमा लिया है। इस घर की पार्किंग में आपको एक पुरानी कार दिखेगी जो इस घर से ज्यादा डरावनी है। कहते हैं कि उस घर की मालकिन की आत्मा आज भी इस कार में वास करती है। इस हॉन्टेड हाउस के पास रह रहे लोगों की माने तो इस घर में इलाके की दो प्रभावशाली महिलाएं डल्सी और वेरावाज रहती थीं। साथ ही ये भी बताया जाता है कि चूंकि ये घर शहर के बीचों बीच और पॉश जगह पर था, तो लैंड माफियाओं की नजर भी इस घर पर थी और उन लोगों ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करी कि वेरावाज उस घर को बेच दें, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। अतः 2001 में इन्हीं भू माफियाओं ने वेरावाज की हत्या कर दी और उनकी बहन को भी कहीं गायब करा दिया। मजे की बात यह है कि जब भी भू माफियाओं ने इस घर को बेचना चाहा है, खरीदने वाले ने कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना किया है। यह भी बताया जाता है कि 2001 के बाद से यह घर खाली है और यहां से गुजरने वालों ने भी अक्सर रात के वक्त यहां अजीब गरीब चीजों को महसूस किया है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस घर में एक पुरानी कार भी है, तो अब जब आप इस घर को गौर से देखेंगे तो ये कार हिलमैन मिंक्स जरूर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इस घर और कार को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप कोई पुरानी हिंदी मूवी देख रहे हैं, जहां एक घर और कार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है कि वो आपको डरा सके। वेरावास के पड़ोसी बताते हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और आज भी अक्सर रात में इस गाड़ी को अपने आप स्टार्ट होते और इसके दरवाजे को बंद करने जैसी आवाजों को सुना गया है। तो अब यदि इस कहानी को पढ़ने के बाद आपका मन इसे देखने का हो, तो कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर के सेंट मार्क रोड पर आएं और किसी से भी पूछ लें, वो व्यक्ति बिना किसी तकलीफ के आसानी से आपको इस घर का पता दे देगा। तो क्या आप यहां आना चाहेंगे? दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।